हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। क्लास 11th का जो डिफरेंशिएशन है उसमें ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोगों को सिर्फ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो कैलकुलस का पार्ट है, तो ये दोनों चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन जो है कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए बनाया गया है। देखो, जैसे सपोज कोई रूम है, ठीक है, और मुझे इस रूम का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है इस रूम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। या आपके घर में जो है आप देखोगे तो रूम्स में जो है बहुत सारे टाइल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हर टाइल का जो है एक टाइल का एरिया निकाल लोगे। अगर आपको एक टाइल का एरिया पता है, आप काउंट करोगे टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक है। टोटल एरिया इज नंबर ऑफ टाइल्स इनटू एरिया ऑफ वन टाइल। तो इस प्रकार से हमको टोटल एरिया जो है वो रूम का मिल जाता है। तो हमने क्या किया, रूम का एरिया फाइंड करने के लिए हमने रूम को स्प्लिट किया डिफरेंट पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़े में रूम को स्प्लिट किया। डिफरेंशिएशन जो है वही है, दैट इज स्प्लिटिंग। मतलब हम इसको जो है स्प्लिट कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और फिर एक छोटे से टुकड़े का हम लोग जो है वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर सबको ऐड कर रहे हैं। जो हम सबको ऐड करते हैं दैट इज इंटीग्रेशन। स्प्लिट करना दैट इज डिफरेंशिएशन, और वापस सबको जोड़ देना दैट इज इंटीग्रेशन। तो ये जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग डिफरेंशिएशन का है। तो हम लोग जो है सबसे पहले चीज़ें स्टार्ट करते हैं कि भाई ढेर सारे फंक्शंस हैं जिनको हम लोग जो है इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करेंगे। तो फंक्शन क्या होता है, तो बच्चों वाई और एक्स वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है इसको हम लोग जो है फंक्शन कहते हैं। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। जैसे y इज इक्वल टू x माइनस 3, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये सब जो है y और x के बीच में रिलेशन बता रहे हैं। तो ये जो है वो क्या हो गए, फंक्शंस। अब बच्चों फंक्शंस जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है एल्जेब्रिक फंक्शन, सेकंड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद थर्ड आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, और फोर्थ आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम लोग ये सब चीज़ों का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो सब स्टडी करेंगे। एल्जेब्रिक फंक्शन जो है यहाँ पे एग्जांपल आपको ये बताए हुए हैं, दोनों ये दोनों के दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो आपको पता है, वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स या फिर वाई इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हुए। लॉगरिथमिक फंक्शन में वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, इसमें यहाँ पे बेस जो है वो ई हो सकता है, जिसको हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं, एल एन एक्स भी कहते हैं, या फिर वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस, कोई भी दूसरा कॉन्स्टेंट हो सकता है, ठीक है। लास्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, या फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है 8th पावर एक्स, जैसे y इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो या ऐसा हो सकता है या इस प्रकार से हो सकता है। तो आप लोगों को बेसिक जो है अलग अलग फंक्शंस के एग्जांपल्स मैंने बताए हैं कि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। स्टूडेंट्स
अब हम लोग जो है डिफरेंशिएशन की बेसिक चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। हमने ढेर सारे फंक्शंस पढ़े और हमने ये देखा कि किसी भी फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन जो होता है उसमें हम लोग सबसे पहले एक्स की वैल्यू चेंज करते हैं और देखते हैं कि वाई की वैल्यू कितनी चेंज हुई, ठीक है। मतलब अगर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है तो मैं अगर x की वैल्यू चेंज करता हूँ बाय सम अमाउंट से 0.1, इसकी वैल्यू मैं 0.1 बढ़ा देता हूँ तो बट ऑब्वियस y की भी वैल्यू कुछ चेंज होगी। जैसे x की वैल्यू पहले 5 है तो 5 प्लस 2 वाई की वैल्यू कितनी हुई 7। अगर मैं इसको x की वैल्यू को 5 की जगह 5.1 करता हूँ या ठीक है 5.1 करता हूँ तो ये हो जाएगा 7.1, तो y की वैल्यू में भी कुछ चेंज आया। तो हम ये देखते हैं कि फॉर अ करस्पॉन्डिंग चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स, वाई में कितना चेंज आया है, इन दोनों का जो रेशो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है कि जब हम एक्स की वैल्यू को चेंज करते हैं बाय अ स्मॉल अमाउंट, सपोज डी एक्स अमाउंट मैंने चेंज किया एक्स की वैल्यू को, तो वाई की वैल्यू में कितना चेंज आया, करस्पॉन्डिंग चेंज। अगर वो डी वाई है तो रेशियो ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे सपोज वाई इज इक्वल टू 3x-7। अगर मैं एक्स के वैल्यू को चेंज करता हूँ बाय स्मॉल अमाउंट डी एक्स तो ये हो जाएगा एक्स प्लस डी एक्स, तो y में जो करस्पॉन्डिंग चेंज आता है सपोज मैं उसको डी वाई लिखता हूँ तो ये हो गया y प्लस डी वाई। सिंप्लीफाई करने पे मुझे यहाँ पे मिलेगा दिस इज 3x प्लस 3dx-7 विच इज इक्वल टू 3x-7 प्लस 3dx। 3x-7 को मैं y लिख सकता हूँ, दिस इज y प्लस 3x dx और यहाँ पे हो जाएगा y प्लस डी वाई। वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, मुझे डी वाई की वैल्यू मिल जाएगी 3x dx which implies dy by dx is 3। तो हम लोग कहेंगे कि जो y is equal to 3x-7 फंक्शन है उसका जो डिफरेंशिएशन है वो हमको मिलेगा कितना 3। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज 3। मतलब अगर हम लोग x में कुछ भी चेंज करते हैं तो y में जो करस्पॉन्डिंग चेंज होगा उनका रेशियो ऐसा होगा कि हमेशा आंसर जो है वो क्या आएगा 3। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोगों को जो एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू x²-3x+5 और हमें बोला है कि आपको dy by dx फाइंड करना है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग जो है x की वैल्यू को चेंज करके देखते हैं बाय स्मॉल अमाउंट dx, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस dx का होल स्क्वायर माइनस 3x+dx+5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप, और सपोज x की वैल्यू dx चेंज करने की वजह से y में जो चेंज आता है दैट इज dy, तो ये हो जाएगा y प्लस dy। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज x²+2xdx+dx²-3x-3dx+5। दिस इज इक्वल टू x²-3x+5 को साइड में लिख दो, ये हो जाएगा प्लस 2xdx-3dx। और ये जो टर्म है dx का स्क्वायर, बच्चों इस टर्म को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि dx इज अ स्मॉल चेंज इन x। x में अगर हम छोटा सा चेंज करते हैं हम उसको dx बोलते हैं। सपोज दैट स्मॉल चेंज इज 0.1, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 0.01, वो और भी छोटी वैल्यू है, तो हम इस चीज़ को निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम dx के स्क्वायर को निगलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं लिख दूंगा y प्लस डी वाई, इसके जगह पे मैं फिर से y लिख दूंगा, इन दोनों में से dx कॉमन निकाल सकते हो, दिस इज 2x-3 dx और यहाँ पे हो जाएगा y प्लस डी वाई। ये y y कैंसिल हो जाएगा, dy वाई इज इक्वल टू 2x-3 dx, therefore dy by dx is 2x-3। तो बच्चों जो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमको मिल रहा है दैट इज 2x-3, पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि
ये मेथड जो मैंने आप लोगों को बताया सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप लोगों को जो है कुछ फॉर्मूलाज मैं बताऊंगा अभी, और आपको डायरेक्ट उन फॉर्मूलाज को यूज़ करना है और डिफरेंशिएशन करना है। ये सिर्फ आपके समझने के लिए कि डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअली होता क्या है। फिर से बताता हूँ कि अगर हम एक्स में स्मॉल चेंज करते हैं डी एक्स, तो वाई में जो करस्पॉन्डिंग चेंज आता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब मैं आपको जो है फॉर्मूलाज बताता हूँ डायरेक्ट। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, वो स्टडी करते हैं, और मैं साथ साथ में आप लोगों को जो है एप्लीकेशंस भी बताते रहूँगा। ठीक है, सबसे पहले जो है जो फॉर्मूला है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इसका मतलब है एक्स टू द पावर एन का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर आएगा एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये पावर एन है, एन की जगह पे आपको टू रखना है, ये हो जाएगा टू इंटू एक्स टू द पावर टू माइनस वन, दैट इज इक्वल टू टू एक्स। तो बच्चों आप लोगों को जो है वो याद होना चाहिए कि भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, या याद क्या आप डायरेक्ट जो है देख के कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा एग्जांपल है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यहाँ पे आप एक्स को एक्स टू द पावर वन लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू वन इंटू एक्स टू द पावर वन माइनस वन, दैट इज वन इंटू एक्स टू द पावर जीरो, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, वन इंटू वन इज वन। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर वन बाई टू, ये हो जाएगा वन बाई टू एक्स टू द पावर वन बाई टू माइनस वन। यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसके एप्लीकेशंस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू। हम लोग चाहें तो इस माइनस वन बाई टू को नीचे ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा वन बाई टू, और फिर से इसको रूट एक्स लिख दो। तो बच्चों ये जो चीज़ है ये तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वन अपॉइंट टू रूट एक्स होता है। हम लोग बार बार ये स्टेप्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ चीज़ें जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन वन है, रूट एक्स का वन अपॉइंट टू रूट एक्स है, ये डायरेक्ट काम आएंगे, तो इनको डायरेक्ट याद रख लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। फिर भी मेथड तो बट ऑफ आपको आनी चाहिए, पर जो है रूट एक्स का वन अपॉइंट टू रूट एक्स है वो आप याद कर लो। फिर सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 99 है, तो ये हो जाएगा 99 एक्स टू द पावर 99 माइनस वन, दैट इज 98। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस फाइव बाई टू इज माइनस फाइव बाई टू इंटू एक्स टू द पावर माइनस फाइव बाई टू माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस फाइव बाई टू इंटू एक्स टू द पावर माइनस सेवन बाई टू। तो बच्चों मेरे ख्याल से जो आपको एग्जांपल्स वगैरह बताया मैंने, उससे आप लोगों को इस फॉर्मूला को किस प्रकार से यूज़ करना है वो आपको आ गया होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को और भी फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, ठीक है, और उनका किस प्रकार से एप्लीकेशन होता है वो बता रहा हूँ। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज ज़ीरो। किसी भी कॉन्स्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि सीधी सी बात है वो कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा है। डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट द चेंज इन दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तुम एक्स की वैल्यू कितने भी चेंज करो कांस्टेंट थोड़ी चेंज होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है, पर अगर कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल के साथ में है तो आप कांस्टेंट को बाहर निकालोगे और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करोगे। यहाँ पे यू जो है यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स मतलब एक्स के टर्म्स में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री कुछ भी, ठीक है, यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर ये एक्स के टर्म्स में है तो कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे और फिर यू का डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके बाद अगर डिफरेंशिएशन ऑफ यू प्लस और माइनस वी प्लस और माइनस डब्लू, मतलब अगर यहाँ पे आपको ढेर सारे फंक्शंस दिए हुए हैं तो आप जो है इनको स्प्लिट कर सकते हो। दिस कैन बी रिटन एज डी बाई डी एक्स ऑफ यू, फिर प्लस और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी, प्लस और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डब्लू।
ऐसे हम लोग जो है इनको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जो है एक और फॉर्मूला बताता हूँ, फिर इनके एप्लीकेशंस बताता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ यू टू द पावर एन, वेर अगेन यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे दिस इज एन इंटू यू टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी यू बाई डी एक्स। बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कांस्टेंट है और ये फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब सी इंटू यू वाला कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पे आप टू जो है उसको बाहर निकालोगे और डिफरेंशिएशन करोगे एक्स स्क्वायर का। मैं आप लोगों को एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बता चुका हूँ लास्ट शीट में, और वो होता है टू एक्स, दिस इज टू इंटू टू एक्स, दैट इज इक्वल टू फोर एक्स। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। पर अगर आपको ऐसा दिया डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव, तो ये फाइव एक कांस्टेंट है और हमें पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। फिर इसका हम लोग देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव, इसमें हम लोग इनको स्प्लिट कर सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हमें पता है टू एक्स होता है, थ्री कांस्टेंट उसको बाहर निकालो, एक्स का डिफरेंशियल वन और कांस्टेंट का ज़ीरो, तो आंसर हो गया टू एक्स माइनस थ्री। तो बच्चों इस प्रकार से जो हम लोग ने ये तीन फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन देखा, अब हम लोग जो है यू टू द पावर एन देखते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस फाइव है, उसका पावर है 7। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है तो ये हो गया आपका u और ये n है। तो u टू द पावर n को हम क्या करते हैं, n इंटू यू टू पावर n माइनस वन इंटू फिर u का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा n इंटू यू टू द पावर n माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, दैट इज़ 2x प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन। तो इसको हम लोग लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस फाइव का पावर 6। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो फिर से स्प्लिट कर दो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है साइड में रखो, x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0। तो इसको सॉल्व किया तो 2 आएगा, 2 इंटू 7 इज 14, ये हो जाएगा इंटू 2x प्लस फाइव का पावर 6। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने जो है ये चार बेसिक क्वेश्चंस देखे, ठीक है, और ये जो चार फार्मूलाज मैंने आप लोगों को बताए थे 1, 2, 3, 4, इनके एप्लीकेशंस जो है मैंने आप लोगों को बताए हैं। और भी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, पहले हम लोग और फार्मूलाज देखते हैं। अभी तक जो मैंने आप लोगों को फार्मूलाज बताए वो ज़्यादातर जो है एल्जेब्रिक फंक्शंस में यूज़ होंगे आपको। और अब मैं आप लोगों को मतलब मिक्सचर, अगर दो तीन फंक्शंस मिक्स है तो भी नो डाउट इनका यूज़ हो सकता है, ठीक है, पर ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ ये एल्जेब्रिक फंक्शंस में काम आएंगे। और अब मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज बताता हूँ। बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो है आप लोगों को याद रखना है कि किस प्रकार से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। सबसे पहले जो है जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो कॉस एक्स होता है, तो ये आप लोगों को याद रख लेना है कि भाई साइन एक्स जहाँ पे भी दिखेगा उसका डिफरेंशियल विल बी कॉस एक्स। सेकेंड, कॉस एक्स का जो डिफरेंशियल होता है दैट इज माइनस साइन एक्स। थर्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इज सेक्स स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x is sec x into tan x. Sixth, differentiation of cosec x is minus cosec x into cot x. बच्चों ये फॉर्मूलाज आप लोगों को सारे याद होने चाहिए, ठीक है। अब डायरेक्ट अगर sin x लिखा है तो बड़ा ऑब्वियस उसका डिफरेंशियल cos x होगा, पर अगर आपको ऐसा होता है कि sin u है, मतलब u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इसके जगह 2x हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, मतलब कोई बड़ा फंक्शन भी हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू, तो उस केस में
आप लोग जो है पहले जैसे साइन एक्स कॉस एक्स होता है तो साइन यू का कॉस यू लिख दो, ठीक है, और फिर जो यू है उसका डिफरेंशिएशन करोगे, दैट इज़ डी यू बाई डी एक्स। तो ये याद रखना, ये सब फॉर्मूलाज में कहीं पे भी एक्स के जगह अगर फंक्शन ऑफ एक्स आता है तो लास्ट में आप लोग उसका डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। सबसे पहले वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले 2x, और कॉस एक्स का डिफरेंशन हमें पता है दैट इज माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे लिख दो माइनस साइन एक्स, तो आंसर हो गया 2x माइनस साइन एक्स। अगर आप लोगों को बोला है कि फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ 3x, तो यहाँ पे कॉस x का होता है माइनस साइन एक्स, ये कॉस u है, तो हम लोग लिखेंगे दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सॉरी कॉस u का हो जाएगा माइनस साइन u इंटू डी यू बाई डी एक्स। मैंने आप लोगों को बताया जब भी बच्चों x हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, पर x के जगह अगर कोई दूसरा फंक्शन है तो आप लोग जो है लास्ट में u का डिफ्रेंशिएशन करोगे इंटू डी यू बाई डी एक्स करना है, तो ये हो जाएगा दिस इज माइनस साइन 3x, और 3x का डिफ्रेंशिएशन होता है 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि माइनस 3 साइन 3x, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन टू एक्स, हमको y इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन टू एक्स इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें पता है कि जो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है दैट इज डायरेक्ट सेक्स स्क्वायर एक्स, तो हम लोग यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स लिख देंगे, पर टेन टू एक्स है ये टेन यू है, तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर यू इंटू यू का डिफरेंशिएशन दैट इज डी यू बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स, तो ये टू हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू इंटू सेक्स स्क्वायर टू एक्स। तो बच्चों इस प्रकार से जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे, और आप लोगों को ये फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि जब भी x के जगह कोई दूसरा फंक्शन है तो लास्ट में du by dx करना है। इवन यहाँ पे x भी होता है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे x है तो जब हम लोग x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो हमें cos x मिल जाएगा। तो ये जनरल फार्मूला है, यहाँ पे मैंने सिर्फ आप लोगों को साइन u का फॉर्मूला बताया, आप लोग अगर cosec u लिखते हो तो हो जाएगा माइनस cosec u इंटू cot u इंटू du by dx। तो ये आप लोगों को जो है समझना है कि हर एक फॉर्मूला में अगर x के जगह कोई दूसरा फंक्शन होता है तो आप लोगों को लास्ट में du by dx करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्मूलाज देख रहे हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन में आप लोगों को जो है अगर नेचुरल लॉग का डिफरेंशियल पूछा है d by dx ऑफ log x टू द बेस e, ये log x टू द बेस e जो है वो नेचुरल लॉग है, आप लोग इसको ln x भी लिख सकते हो ऐसे, मतलब d by dx ऑफ ln x। अगर आपको ये भी गिवन है या ये गिवन है दोनों चीज़ें सेम है, और इसका जो डिफरेंशियल होता है वो 1 अपॉन x होता है, ये आपको याद रखना है। सेकेंड अगर नेचुरल लॉग नहीं है या e के जगह कोई दूसरा बेस है, सपोज दैट बेस इज a, a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तो उस समय जो है आंसर होगा 1 अपॉन x इंटू लॉग a टू द बेस e। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, मतलब यहाँ पे ये ln a है नेचुरल लॉग है और 1 अपॉन x तो रहेगा, तो ये डायरेक्ट आपको याद रखो, इसमें आप लोगों को ऐसा नहीं है कि कुछ प्रूव करना पड़ेगा ये कैसे आता है, और अगर प्रूव भी हो तो हम लोग डेफिनेटली इसको कर सकते हैं, लॉग के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको यूज़ करेंगे तो 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, पर फिर भी आप लोग ये याद रख लो तो ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो ई टू द पावर एक्स होता है, तो अगर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो सेम होता है, दैट इज़ ई टू द पावर एक्स, सबसे ईजी है ये। और सेकेंड अगर ई की जगह कोई दूसरा कॉन्स्टेंट है सपोज ए, तो हम उसको लिखेंगे ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई। बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे e भी एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, e भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो है वो 2.718 होती है और आगे कंटिन्यू होती है, पर हम लोग जो है इतनी वैल्यू याद रखेंगे तो ही बहुत है।
ई की वैल्यू जो है 2.718, ये भी कांस्टेंट है, और ए जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, पर ई जो है वो फिक्स वैल्यू है। तो ई टू पावर एक्स का डिफरेंशियल सेम होता है, पर अगर ए टू पावर एक्स है तो लास्ट में आप लॉग ए टू बेस ई रखोगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 to the power x। बच्चों यहाँ पे जब तक आपको मेंशन ना किया गया हो तो आप नेचुरल लॉग ले सकते हो। ठीक है, तो अगर हमें इसे डिफरेंशिएशन करना है dy by dx, तो हमें पता है कि भाई log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो यहाँ लिख दो 1/x। और ये जो है a टू द पावर x एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे a की जगह 2 है, तो हम लोग इस फॉर्मूला में a की जगह 2 रख देना बस, तो ये हो जाएगा 2 to the power x into log of 2 to the base e। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x। बच्चों यहाँ पे और देख लेते हम लोग, इंटू लॉग ऑफ 3x। यहाँ पे जो है e टू द पावर x का, जैसे e टू द पावर x होता है, ये e टू द पावर u है। ठीक है, तो हम लोगों को लास्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे log x नहीं है, log u है, तो log u का 1/x होगा, 1/u इंटू du/dx। तो ध्यान रहे जो फॉर्मूलाज हैं, अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर ये होता है log ऑफ u d/dx ऑफ log ऑफ u, तो ये हो जाएगा दिस इज 1/u इंटू du/dx। सिमिलरली d/dx ऑफ e टू द पावर u है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर u इंटू du/dx। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें इन दोनों का एप्लीकेशन है, तो dy/dx विल बी e टू द पावर u है, e टू द पावर u का होता है e टू द पावर u इंटू du/dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है 2x का, 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, प्लस log ऑफ u का होता है 1/u, तो log ऑफ 3x का हो जाएगा 1/3x इंटू 3x का डिफरेंशिएशन, दैट इज 3। तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/x आएगा, दिस इज 2 इंटू e टू द पावर 2x प्लस 1/x, ये आंसर। तो बच्चों इस प्रकार से जो है हम लोग ये फॉर्मूलाज याद रखे काफ़ी चीज़ों का जो है डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मैं आप लोग बता देता हूँ कि फिजिक्स में जो है 80-90% जो है सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शंस के ही डिफरेंशिएशन आते हैं। कभी कभार हम लोगों को इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आप लोगों को जो है ऐसा है कि हमारे को 100% एक्यूरेसी से काम करना है, तो आप लोगों को हर एक फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। बाकी नहीं तो एल्जेब्रिक फंक्शन के भी फॉर्मूला, अगर आपको ऐसा है कि मुझे डिफरेंशियल में कुछ नहीं आता है, अगर कुछ नहीं आता है तो आप लोग जो है एल्जेब्रिक फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं वो बस सीख लो, जो मैंने लास्ट शीट में बताया आप लोगों को, और उससे आप लोगों का काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो है प्रोडक्ट रूल, क्वोशन्ट रूल, ये सब चीज़ें देखते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है प्रोडक्ट रूल देख रहे हैं। प्रोडक्ट रूल में जो है कोई भी दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट अगर हमें गिवन है u इंटू v, तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करेंगे वो हम लोग देख रहे हैं। तो d/dx ऑफ u इंटू v जो है एकदम सिंपल है, पहले एक फंक्शन u को ऐसे ही रखना है हमको, और v को डिफरेंशिएशन करना है, और फिर v को ऐसे ही रखना है और u का डिफरेंशिएशन करना है। पर अगर बच्चों क्वोशन्ट रूल है, यहाँ पे आप लोगों को जो है अगर u अपॉन v दिया हुआ है, तो उस केस में डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v जो है वो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना पहले जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर दो, नीचे ऐसे रख दो v स्क्वायर, फिर इसी v को ऐसे ही रखना है और u का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस u को ऐसे ही रखना है और v का डिफरेंशिएशन करना है। बच्चों यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन आती है तो आप लोग जो है इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, ध्यान रहे जो डिनोमिनेटर में रहेगा v उसको पहले डिफरेंशिएशन नहीं करना, उसको पहले ऐसे ही रख दो, जो डिनोमिनेटर में उस चीज़ को ऐसे रख दो और u का डिफरेंशिएशन करो, माइनस u को ऐसे रख के v का डिफरेंशिएशन। एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका। d/dx ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग जो है e टू द पावर x को ऐसे ही रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे साइन x का, और फिर हम लोग साइन x को ऐसे ही रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे e टू द पावर x का,
तो ये हो जाएगा e टू द पावर x इंटू साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है, और यहाँ पे साइन x वैसे रखो, e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x ही होता है, तो यहाँ पे कॉमन निकाल लो और ये हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x। क्वेश्चन रूल में अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊं, तो सपोज 2x माइनस 3 और नीचे है x प्लस 5, तो यहाँ पे जो है u अपॉन v है, तो हमें पता है पहले v का स्क्वायर करना है, तो x प्लस 5 का स्क्वायर नीचे रख दो, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रख सकते हो खाली। फिर जो v है उसको ऐसे रखो, मतलब x प्लस 5 को ऐसे ही रखना है। 2x माइनस 3 का डिफरेंशियल करना है, दिस इज d बाई dx ऑफ 2x माइनस 3, फिर माइनस 2x माइनस 3 को ऐसे ही रखो और d बाई dx ऑफ x प्लस 5, ठीक है। अब बच्चों देखो x प्लस 5 तो ऐसे ही है, जो 2x माइनस 3 उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2, x का होता है 1 और 3 का 0, कॉन्स्टेंट है ना, माइनस 2x माइनस 3 ऐसे ही रहेगा और वापस x का डिफरेंशियल 1 और 5 का 0, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 2x माइनस 3। इसको सॉल्व करोगे 2x 2x कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 10 प्लस 3 दैट इज 13 अपॉन x प्लस 5 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है वो चेन रूल स्टडी कर रहे हैं, और चेन रूल जो है वो तब यूज़ होता है जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो, ठीक है। एफ एन एफ वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फंक्शन इन फंक्शन। फॉर एन एग्जांपल बता देता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे कि मान लो साइन ऑफ 2x है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, या फिर लॉग ऑफ साइन एक्स, तो ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसके अंदर जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस प्रकार से जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है तो हम लोग जो है चेन रूल यूज़ कर सकते हैं। अब चेन रूल में क्या कॉन्सेप्ट है, तो चेन रूल का पहले फॉर्मूला बता देता हूँ आप लोगों को कि डी वाई बाई डी एक्स अगर हमें करना है तो हम डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स कर सकते हैं, या चेन अगर थोड़ी बड़ी करनी है तो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। बच्चों यहाँ पे जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया इससे आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं आप लोगों को जो है एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज वाई इज दिस, तो वाई इज इक्वल टू साइन टू एक्स है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज साइन ऑफ टी, लेट हम लोग अज्यूम कर रहे थे लेट वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ टी, तो हमने टी जो है उसको मतलब 2x जो है उसको हमने क्या ले लिया टी, तो अब तुम देख सकते हो y इज़ अ फंक्शन ऑफ t एंड t इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो अगर हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो हम लोग इसको ऐसे रख सकते हैं एज y इज़ अ फंक्शन ऑफ t, तो हम लोग पहले dy बाई डी टी निकालेंगे और t इज़ अ फंक्शन ऑफ x तो dt बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो तुम देख सकते हो ये dt dt, तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। dy बाई डी टी मतलब इसका डिफरेंशियन करना है साइन t का विद रिस्पेक्ट टू t, तो साइन टी का डिफरेंशियल जो है पहले मैं लिख देता हूँ वाई की जगह साइन टी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, टी मतलब 2x, तो साइन टी का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, तो साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स होता है, तो साइन टी का हो जाएगा कॉस टी और 2x का डिफरेंशियल हो जाएगा 2। अब टी की जो वैल्यू है एक्स के हमसे वापस रख दो, दिस इज ये 2 को मैं आगे रख देता हूँ, दिस इज कॉस ऑफ टी दैट इज कॉस ऑफ 2x, तो ये हमारा आंसर है। सिमिलरली जो log x है इसका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि y इज इक्वल टू log ऑफ sin x, तो यहाँ पे हम लोग जो है लेट y इज इक्वल टू log ऑफ t, वेर t इज इक्वल टू sin x, तो यहाँ पे y इज़ अ फंक्शन ऑफ t एंड t इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो वापस हम लोग जो है dy बाई डी एक्स के लिए सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज dy बाई डी टी
इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी टी मतलब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू टी। हमें पता है लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है तो लॉग टी का हो जाएगा वन अपॉन टी। और फिर डी टी बाई डी एक्स मतलब टी का डिफरेंशिएशन मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और हमें फॉर्मूला पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन टी। अब टी की वैल्यू जो है जो तुमने रखी है एक्स के टर्म से वो लिख दो, दिस इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा बिकॉज टी इज इक्वल टू साइन एक्स। तो टी की जगह साइन एक्स रख दिया, कॉस अपॉन साइन एक्स कॉट, तो आंसर हो गया तुम्हारा कॉर एक्स। तो बच्चों इस प्रकार से जो है हम लोग जो ये रूल फॉलो करते हैं इसको हम लोग चेन रूल कहते हैं। और मैं हम आप लोगों को जो है नेक्स्ट शीट में ये बताता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है जो जिसमें चेन थोड़ी बड़ी हो रही है ये हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है आप लोगों को एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट ऑफ लॉग एक्स, यू टू फाइंड dy बाई dx। तो यहाँ पे हम लोग जो है चेन रूल यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ t, वेयर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ लॉग एक्स। अब मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ w, t को मैंने ले लिया रूट ऑफ w, वेयर w इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। तो तुम देखो y इज़ अ फंक्शन ऑफ t इज़ अ फंक्शन ऑफ w एंड w इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो dy वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए मैं ऐसा लिख दूंगा दिस इज dy वाई बाई डी टी, बिकॉज वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ t तो dy वाई बाई डी टी, टी इज़ अ फंक्शन ऑफ w तो dt टी बाई डी डब्ल्यू, एंड w इज़ अ फंक्शन ऑफ x तो dw डब्ल्यू बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो हमें पता है साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो साइन टी का हो जाएगा कॉस टी। टी का डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, रूट एक्स का होता है वन अपॉइंट टू रूट एक्स, तो रूट ऑफ डब्ल्यू का हो जाएगा वन अपॉइंट टू रूट ऑफ डब्ल्यू। और लास्ट में लॉग एक्स का होता है वन अपॉइंट एक्स, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वन अपॉइंट एक्स। ये जो भी चीज़ें हैं डब्ल्यू और टी इसको एक्स के टर्म्स में वापस लिख दो, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ये टी जो है वो एक्स के टर्म्स में इतना है, दिस इज लॉग ऑफ सॉरी रूट ऑफ लॉग एक्स। फिर नीचे वन अपॉइंट टू रूट डब्ल्यू, दिस इज टू रूट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है वो लॉग एक्स टू द बेस ई, तो यहाँ लिख दो लॉग एक्स टू द बेस ई और इनटू वन अपॉन एक्स। ये हो गया कॉस टी, वन अपॉइंट टू रूट डब्ल्यू तो टू रूट डब्ल्यू और वन अपॉन एक्स। यहाँ पे इनको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कॉस ऑफ थीटा है तो थीटा जो है इसके नंबर के साथ कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ये हमारा फाइनल आंसर है और आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से हम लोग चेन रूल को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो है देख रहे हैं कि अगर कोई दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो हम क्या करेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर आपको पूछा है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो आपको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है ईजिली आप लोग निकाल सकते हो दैट इज़ टू एक्स। पर अगर आपको पूछा है कि फाइंड डी वाई बाई डी टी, ठीक है, तो इस बार जो है वाई जो है फंक्शन ऑफ एक्स है पर हमें जो डिफरेंशिएशन पूछा है वो विद रिस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल है और वो न्यू वेरिएबल क्या है टी। इस केस में जो है आप लोग क्या करोगे, इसको ऐसे लिख दोगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि हमें वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स है तो हमें सिर्फ यही आता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, हमें चाहिए डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी कब मिलेगा जब ये कैंसिल होगा, तो ऊपर नीचे डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है टू एक्स, और लास्ट में लिख दो डी एक्स बाई डी टी, बस इतना लिख के छोड़ दो, ये तुम्हारा हो गया डी वाई बाई डी टी। तो कभी भी ध्यान रखना अगर कोई फंक्शन हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल, तो लास्ट में जो है जिस वेरिएबल के टर्म्स में गिवन है डी एक्स बाई डी टी, जैसे एक्स के टर्म्स में गिवन है और टी के टर्म्स में पूछा तो डी एक्स बाई डी टी लिख दो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है और आपको पूछा है कि फाइन डी वाई बाई डी टी, तो आप पहले इसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर दो, साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, और लास्ट में लिख दो डी एक्स बाई डी टी, सिंपल। जैसे y इज इक्वल टू है लॉग एक्स और इसका पूछा है डी वाई बाई डी टी, तो पहले इसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर दो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स और फिर लास्ट में लिख दो डी एक्स बाई डी टी। समझ गए बच्चों। अब एक और फंक्शन मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन।
बच्चों ये मैं आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ, बेसिक मैथ्स में जो 11th के सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं आता, फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब फंक्शन जो होता है वो एक्स और वाई दोनों के टर्म्स में होता है, ठीक है। इस प्रकार से जो फंक्शन होगा उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस से y क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। आप लोगों को ये फंक्शन गिवन है और आप लोगों को बोला है कि फाइंड dy बाई dx, तो आप लोग क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज 2x। यहाँ पे हम लोग जो है प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, पहले 2x को ऐसे रखो, y का डिफरेंशिएशन दैट इज dy बाई dx, फिर y को ऐसे रखो, 2x का डिफरेंशिएशन दैट इज 2। इसका प्रोडक्ट रूल किया, y क्यूब का डिफरेंशिएशन जो है वो पहले नॉर्मल कर दो, दैट इज 3y स्क्वायर और इनटू dy बाई dx, क्योंकि ये खुद एक वेरिएबल है और इसका डिफरेंशिएशन हम लोग विद रिस्पेक्ट टू अ न्यू वेरिएबल कर रहे हैं जो कि x है, तो लास्ट में हम लोग dy बाई dx लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ये दो टर्म में से dy बाई dx कॉमन निकालो, दिस इज dy बाई dx इंटू 2x प्लस 3y स्क्वायर, और ये जो दूसरे दो टर्म है ये इस साइड चले जाएंगे, दिस इज माइनस 2x माइनस 2y, या फिर माइनस कॉमन निकाल लो 2x प्लस 2, तो dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी, ये टर्म जो है नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों जो है हम लोग किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और dy बाई dx की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आप लोगों को अभी बता देता हूँ और फिर हमारा डिफरेंशिएशन जो है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे ख्याल से जो अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूलाज के साथ साथ जो बेसिक एक दो एग्जांपल्स बताए हैं, तो मेरे ख्याल से चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। और फिर भी अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप लोग जो है डेफिनेटली कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। मैं अभी आप लोगों को जो डिफरेंशिएशन के ऊपर मिसलेनियस क्वेश्चन बता देता हूँ। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम लोग ने जो है ये मिक्स क्वेश्चंस लिए हैं और यहाँ पे मैंने 7 क्वेश्चंस लिए हैं ऑलमोस्ट सारे टाइम्स के। ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये जो है मतलब फंक्शन इन फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब चेन रूल यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, और ई टू पावर यू भी कर सकते हो। ये टेन यू ले लो या फिर फंक्शन इन फंक्शन चेन रूल लगा लो, ये प्रोडक्ट, ये कोशेंट, और यहाँ पे भी साइन यू, और ये इम्प्लिसिट फंक्शन, तो सारे रूल्स जो है यूज़ हो जाएंगे यहाँ पे। अगर आप लोग को ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सबसे पहले जो है हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट जो है दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 8x टू द पावर 7 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 अपॉन एक्स टू द पावर 6। यहाँ पे हम लोग जो है डायरेक्ट करेंगे, 8 कांस्टेंट उसको साइड में रखो, x टू द पावर 7 का हो जाएगा 7 इंटू एक्स टू द पावर 7 माइनस 1 दैट इज 6, और 5 कांस्टेंट उसको साइड में रखो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। 3 कांस्टेंट उसको साइड में रखो, x टू द पावर 6 जो है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x टू द पावर माइनस 6, और फिर वापस हम लोग x टू द पावर n वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, दिस इज 8 7 जो 56 x टू द पावर 6 प्लस 5 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 3 इंटू एक्स टू पावर माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू एक्स टू पावर माइनस 6 माइनस 1 दैट इज माइनस 7, और हम चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर सबसे पहले वाले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें हमको फाइंड करना है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स। बच्चों यहाँ पे या तो आप लोग चेन रूल लगाओ या फिर डायरेक्ट जो है ई टू पावर यू वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू पावर यू इज e टू द पावर यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा e टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ये आंसर होगा। थर्ड जो है वो है टेन e टू द पावर x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ e टू द पावर x। यहाँ पे ये मैं जो है आप लोगों को चेन रूल से बता देता हूँ, ठीक है। तो चेन रूल में हम लोग जो है इसको y अज्यूम कर दें, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू टेन ऑफ ई टू द पावर x,
आप लोगों को ये चीज़ गिवन है कि y इज इक्वल टू टेन ऑफ ईट पावर एक्स और आप लोगों को डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू टेन ऑफ t, वेर t इज इक्वल टू ईट पावर एक्स। तो हमने y को t के टर्म्स में लिया और t को x के टर्म्स में लिया, तो हम लोग जो है डी वाई बाई डी एक्स को लिखेंगे एज y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी और t इज अ फंक्शन ऑफ, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी टी मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स होता है तो टेन टी का हो जाएगा सेक्स स्क्वायर टी, और टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ईट पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वो होता है ईट पावर एक्स। तो बस ये हमारा आंसर है, बस टी की जगह हमें जो भी वैल्यू है एक्स के टर्म्स में वो लिखनी है लास्ट में, तो दिस इज सेक्स स्क्वायर ऑफ ईट पावर एक्स इंटू ईट पावर एक्स। यहाँ पर आप लोग ये दो चीज़ को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। अब फोर्थ जो है वो है हमारे पास प्रोडक्ट रूल, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, यू इंटू वी है तो हमें पता है पहले यू को ऐसे रखना है और वी का डिफरेंशिएशन, और फिर वी को ऐसे रखना है और यू का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, फिर साइन एक्स को ऐसे रखा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो कॉमन निकालना तो कुछ चीज़ कॉमन निकाल सकते हो, बाकी आंसर है तुम्हारा। तो बच्चों जो नेक्स्ट है वो है टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे कोशेंट रूल है, तो दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। मैं आप लोगों को पहले फार्मूला लिख देता हूँ अगर आप लोगों को याद नहीं है, तो दिस इज वी स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, सॉरी वी स्क्वायर नीचे रखा, वी को ऐसे रखा यू का डिफरेंशिएशन, और फिर माइनस यू को ऐसे रखा और वी का डिफरेंशिएशन, दिस इज इक्वल टू ये u है ये v है, तो नीचे हम लोग v का स्क्वायर करेंगे दैट इज x टू पावर 6, फिर इसको ऐसे ही रखना है और 10x का डिफरेंशिएशन दैट इज सेक्स स्क्वायर x, और माइनस 10x को ऐसे ही रखना है और x क्यूब का डिफरेंशिएशन दैट इज 3x स्क्वायर। तो बच्चों आप लोग चाहो तो x स्क्वायर कॉमन निकाल के काट सकते हो, बाकी ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। सिक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, इसका डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे साइन ऑफ यू लिख सकते हो या फिर आप लोग चेन रूल यूज़ कर सकते हो, मैं आप लोगों को दोनों बता देता हूँ। तो दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, मतलब ये साइन यू हो गया, तो इसको हम लोग लिख देंगे साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है तो साइन यू का हो जाएगा कॉस यू, तो ये हो गया कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव और इसका डिफरेंशियल हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री, ये आंसर है। अगर आप लोग इसको चेन रूल से भी करते हो तो भी सेम आंसर आएगा, चेन रूल से आप लोग इसको साइन टी ले लो और वह टी इज इक्वल टू दिस, तो जैसे y इज इक्वल टू साइन ऑफ टी ले लो, ये जो y इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस है उसमें हम लोग इसको टी ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ टी हो जाएगा, वह टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव। अब आप लोग जो है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स करोगे, तो dy वाई बाई डी टी मतलब इसका डिफरेंशियन साइन t का होता है cos t, तो ये हो जाएगा cos t, और t इसका डिफरेंशियन विद रिस्पेक्ट टू x, t का डिफरेंशियन तो हो जाएगा 2x प्लस थ्री, तो सेम आंसर आ रहा है 2x प्लस थ्री इंटू cos t, t के वापस वैल्यू रखोगे तो आंसर सेम आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन पे बेस्ड है, सेवन्थ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे बच्चों जो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो ये है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को ऐसे रखा, वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी वाई बाई एक्स, फिर वाई को ऐसे रखा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज टू एक्स, फिर प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशियन जो है वो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स क्यूब का डिफरेंशियन जो हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालो,
एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर, और ये दोनों टर्म जो है वो इज इक्वल टू इस साइड जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, दिस इज माइनस ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमको माइनस ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर। तो बच्चों मेरे ख्याल से जो है आप लोगों को सारे रूल समझ में आ गए होंगे, फिर भी अगर कोई डाउट रहता हो डेफिनेटली पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो आप इसको डेफिनेटली शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों को बताओ, ताकि लोगों को फ्री में जो है डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो आपको फिर भी अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक दूसरे पे करना, वैसे हम लोग इंटीग्रेशन लेने वाले हैं इसके बाद, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी कोई टॉपिक 11th या 12th में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो आप डेफिनेटली कमेंट में मेंशन करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस वीडियो को जो है मैं आगे ले सकूँ, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।